तकरीबन 6 महीने इस गाड़ी को लगे हैं बनने में, मतलब 6 महीने में जाके ये गाड़ी तैयार की। 1200 cc है बेस मॉडल इसका जो है स्टॉक इंजन के साथ। फ्रंट पे इसका ट्रंक होता है जिसमें आपका जो है ना ये डिग्गी कहते हैं, ये पेट्रोल टैंक होता है भी इसके अंदर, जो ये जर्मन कार है तो इसकी सुनने में आया कि वो ये भी गारंटी देते हैं कि ये कार मर्सिडीज बेंज की तरह ना रोल नहीं होती रोड पे। है ये 5 सीटर ही और गुंजाइश इसके अंदर बड़ी अच्छी है क्योंकि लग्जरियस लग रही है गाड़ी देखने में भी और बैठने में भी बड़ी मजेदार है। ये आप देख सकते हैं टेम्पर्ड ग्लास है जो हमारी कार्स में यूज होता है, कोई मिसहैप अगर हो जाए तो ये ग्लास आपके लिए एटलीस्ट खतरा नहीं बनेगा कि इसका कोई पीस आपको नहीं लगेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नुमान मकसूद, आप देख रहे हैं नियो। ये गाड़ी जो खड़ी हुई है बड़ी कमाल की गाड़ी है और बीतल है, 1974 मॉडल है। असल में हमने फैसल भाई को देखा कि फैसल भाई लोगों के झुंड में फंसे हुए हैं और लोग आके सेल्फीज बना रहे हैं, कोई तस्वीरें बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई टिकटॉक के ऊपर जो है वो अपनी वीडियो चढ़ा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये गाड़ी कितनी मुश्किल से फैसल भाई के पास पहुंची है और उसके बाद ये इसकी कैसे देखभाल करते हैं। ये है जी बीतल और इसके बारे में अब हम पूछेंगे फैसल भाई से। शुक्रिया फैसल भाई, आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कैसे पाई आपके पास ये गाड़ी और इसमें क्या क्या है जी? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई वुड कॉल के मेरी गुड लक ही थी, कैजुअली मैंने टिकटॉक ओपन किया रात के टाइम सोते हुए तो कोई कार सेलिंग का ना वो पेज था, उन्होंने जी लगाई हुई थी फॉर सेल, तो मैंने जो है ना वेरी फर्स्ट मोमेंट में मैंने जो है ना उधर से कॉन्टेक्ट लिया और मैसेज ड्रॉप कर दिया इसके ओनर को। तो इसके ओनर ने जी सुबह मुझे बताया, कन्फर्म किया कि जी ये दिस कार इज स्टिल अवेलेबल। तो आप यकीन करें कि मैंने विदाउट इवन नोइंग कि ये क्या है इसके अंदर क्या मॉडल है, मैंने उनको अकाउंट नंबर मांगा, उनको जो है उसको मैं जो स्टार्टिंग पेमेंट होती है टोकन मनी जैसे कहते हैं वो मैंने सेंड कर दी। तो उसके बाद मैंने कहा कि मैं शाम को आपसे बात करूंगा, शाम को जब बात की फिर मैंने उनसे नॉलेज लिया, कहते जी 1974 बेस मॉडल जो है स्टॉक इंजन के साथ अवेलेबल है और बनाई बहुत प्यार से थी उन्होंने जिन्होंने बनवाई थी और तकरीबन 6 महीने इस गाड़ी को लगे हैं बनने में, मतलब 6 महीने में जाके ये गाड़ी तैयार की और जिन्होंने की भी इतने प्यार से किए कि आप देख सकते हैं कि दिस इज ब्यूटी। मतलब अभी गाड़ी उनके पास आई थी उसकी भी तस्वीर दिखाई थी आप उनको, उन्होंने आपको जी एक पेज है जहाँ पे जो है ना जब इनिशियल प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं ना तो वो प्रोजेक्ट पिक्चर्स डालते रहते हैं तो सारी वो पिक्चर ने एज अ स्क्रैप इसे उठाया था, उसके बाद सारा इसके ऊपर प्यार, ये सारा प्यार है इसके ऊपर, जो सारा प्यार है इसके ऊपर। और कराची से यहाँ तक लाने में कितने दिन लगे और कैसे आई आपके पास? मेरी डील हो गई थी विद इन 15 मिनट्स में मेरी डील हो गई थी, उसके बाद बाकी जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो नेक्स्ट डे मेरे जानने वालों ने जाके वहाँ पे की, तो तकरीबन 4 डेज में ये वहाँ से कैरेज के साथ ये आई है बुकिंग के बाद, 4 दिन लगे हैं इसे यहाँ पे आते हुए गाड़ी को। तो कितने सीसी है ये फैसल भाई? 1200 cc है बेस मॉडल इसका जो है स्टॉक इंजन के साथ, 1200 cc, वैसे इसमें 1600 भी होती है 1400 भी होती है, ये 1200 cc। माइलेज कितना ले रही है? माइलेज एज सच मैंने कभी नोटिस नहीं किया क्योंकि वीकेंड राइड्स होती हैं, वैसे सुनने में आया कि 8 से 9 किलोमीटर ये 8 से 9 किलोमीटर ये करती है। शोर भी बहुत है ना जी इसका? हाँ जी, बैक साइड पे शोर है और एयर कूल है, आप जानते हैं एयर कूल है तो उसमें मतलब बाकी खर्चे आपके बच जाते हैं कि अच्छा। वो फ्यूल जो लिक्विड वगैरह डालते हैं जो कूलेंट वगैरह, रेडिएटर वगैरह नहीं होता जी, वो नहीं होता। तो ये भी मैंने आज सुना है फैसल भाई से कि रेडिएटर नहीं होता। और उसके बाद आपको एक चीज मैं बताऊं कि ये जो सामने है ना ये इंजन नहीं है इसका, ये जरा दिखाएं फैसल भाई ये जी क्या है? जी बेसिकली ये इसका जो है फ्रंट पे इसका ट्रंक होता है जिसमें आपका जो है ना ये डिग्गी कहते हैं, ये पेट्रोल टैंक होता है भी इसके अंदर, जिसकी प्रोबेबली 52 लीटर कैपेसिटी है। मतलब वैसे आप देखें तो आजकल की गाड़ियों में 42 से 45 लीटर होती है लेकिन इसकी 52 लीटर कैपेसिटी है। अच्छा अच्छा की अच्छा, जी अच्छा। बाकी ये बताइए लाइट और हैंडल मुझे लग रहा है कि ये जेन्युइन लगे हुए हैं क्योंकि ये जितना इसके ऊपर वो रगड़ाई और बाकी पॉलिश वगैरह हुई भी है ओरिजिनल लग रहा है इसका। हाँ जी, जो चीज सॉलिड लग रही है वो ओरिजिनल होगी। अच्छा, जो चीज थोड़ी बहुत लग रही है कि क्वालिटी में है वो आपकी आफ्टर मार्केट होगी सॉलिड चीज, क्योंकि आप देखें इसका वजन बहुत ज्यादा वजन है इसका, मतलब हाँ। और इसकी सस्पेंशन इसलिए फेमस है कि जितना तेज करते जाएं इस तरह से ये ना निकलती जाती साइड पे, अच्छा, मर्सिडीज रोड को ग्रिप करती रहती है क्योंकि ये जर्मन कार है। तो इसकी सुनने में आया कि वो ये भी गारंटी देते हैं कि ये कार मर्सिडीज बेंज की तरह ना रोल नहीं होती रोड पे, इतनी ये सेफ है इसकी जो ड्राइव है, हालांकि पाकिस्तानी कहीं भी रोल कर देते हैं जी बिल्कुल। इसकी ये गारंटी देते हैं जर्मनी के जो है ना इंजीनियर्स के, ये गाड़ी घूमे रोड पे उल्टी नहीं होगी। ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा ये बताइएगा जी इंटीरियर के बारे में इसके, इंटीरियर इसका कैसा है? ये मैं देख रहा हूँ ये इसका जो है ये डैशबोर्ड है इसका या फिर कोई चीज रखने के लिए वो? आप इंटीरियर के बारे में देखे तो इसको मतलब जो बेस वेरियंट होता है सेम एज इट इज, अगर आप किसी और बीटल को भी देखे तो अंदर से आपको सेम ही लगेगी। अब फर्क सिर्फ यहाँ पे कलर स्कीम का आता है कि आप कलर स्कीम कौन सी चॉइस कर रहे हैं। जो कलर स्कीम होगी हर गाड़ी इस तरह से डिफरेंट लगती है।
फ्रंट इसका बिल्कुल बेसिक रखा गया है, यही लुक होती है फ्रंट की, ग्लव बॉक्स और ये मीटर और इधर छोटा सा जो इधर रेडियो होता है बेसिकली, जो स्पीडोमीटर भी इसका 1974 का ही लगा हुआ है। सेम बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल मीटर लगा हुआ है, ठीक है। रेडियो शेडियो भी सारा, मतलब ये थोड़ा सा मॉडिफाइड, हाँ ये टेप हमने लगा ली ब्लूटूथ जो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो वैसे ये रेडियो होता है। ये देखे एशट्रे जो है यहाँ, अच्छा एशट्रे भी इसकी उसी तरह लगी हुई है जी, बिल्कुल ठीक है। और ये इसके लेवर भी है जो है वो लाइट्स के हैं, ये लेवर एक लेवर लाइट का है और दूसरा जो हेडलाइट का है, और ये तीसरा वाला जो है ये टेप के लिए जी, ये हेडलाइट है, इसको थोड़ा सा टू लो और हाई का होता है, ये देखिए हेडलाइट का। अच्छा ये बैक वाला सारा, हाँ ये वाला लीवर जो नीचे ब्लू लाइट आपको नजर आ रही है, उसके बाद ये स्टीयरिंग के साथ क्या है जी? स्टीयरिंग पे सिर्फ बेसिकल इंडिकेटर है लेफ्ट और राइट का, ये अच्छा एक लीवर का इंडिकेटर है, और ये हॉर्न है इसका, ये हॉर्न है इसका, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और इसका गियर जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये इसमें क्या करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है थोड़ा सा गियर आपका जो रिवर्स लगाने के लिए, आपको न्यूट्रल पे नीचे प्रेस करके और साइड पे जहाँ पे आपका वैसे यूजली सेकंड गियर फर्स्ट सेकंड गियर लगता है ना, वहाँ पे इसका रिवर्स लगता है नीचे प्रेस करके, ठीक है। ये फाइव सीटर ही और गुंजाइश इसके अंदर बड़ी अच्छी है, क्योंकि लग्जरियस लग रही है गाड़ी देखने में भी और बैठने में भी बड़ी मजेदार है, लेकिन इसके डोर जो है ना वो थोड़े से भारी है बाकी गाड़ियों के मुकाबले में, क्योंकि ये जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल हालत के अंदर इसको बनाया गया और उसी तरह से इसका पायदान भी जो है वो उसी तरह से बनाया गया। तो ये जो टायर्स हैं इसके बारे में बताइएगा कि अलॉय रिम और टायर्स जो हैं ये भी इसके जो खास तौर पे जो अलॉय रिम और ये टायर है ये मुझे लग रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है इसके, नहीं टायर जेन्युइन नहीं है लेकिन साइज सेम रखा गया है। और अलॉय आपका जैसे कस्टम आप जितना चाहें, जिस तरह की कुछ लोग तो गोल्डन पसंद करते हैं कुछ उसमें, लेकिन ये ब्लैक के साथ सिल्वर कलर जो है ना जैसे लाइट्स के ऊपर है और ये लाइन साइड पे लाइनिंग दी है, मिरर रखे गए हैं, ये बहुत स्लीक लुक देता है, इस वजह से जो है ना ये सादा लगाएंगे, लेकिन साइज ये सेम ही है जो होता है। ठीक है, अब आपको पीछे दिखाते हैं, पीछे जो लाइट्स हैं इसकी वो भी जेन्युइन हालत में लगी हुई है, चेंज हुई हुई, लेकिन कोशिश यही की गई है कि विंटेज कार की जो है वो लुक दे। और ये बताइएगा जी कि इसकी जो शेप है पीछे से ये बनाई गई है या फिर ये पहले से बनी हुई है, क्योंकि जब आपने रूफ हटा दी इसकी तो उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है जी। बिल्कुल, दिस इज एक्चुअली ये जो है इसका मेन पॉइंट है जो इसको अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि पीछे से आप लुक देखें गाड़ी की तो एक रॉयल लुक जैसे वो रोल्स रॉयस टाइप लुक आती है ना, तो उसमें सिर्फ सबसे ज्यादा जो बीच में पावरफुल थिंग है वो ये है कि इसकी रूफ जहाँ पे ड्रॉप होती है ना वहाँ ड्रॉप नहीं की गई, इसको पहले ही मतलब ड्रॉप आप समझ ले किया गया और ये पीस जो बनाया गया ना, क्योंकि इधर इनके एयर वेंट होते हैं तो अच्छा। एयर वेंट की जगह को इन्होंने बंद करके वो पूरा पीस लगा दिया है, जो इसकी ब्यूटी में जो है ना थोड़ा सा एनहेंस करता है ब्यूटी को, और मतलब ये पीस जो मेन इसका जो है ना ब्यूटी इंक्रीज करता है, इंक्रीज करती है, वरना इधर एयर वेंट्स होते हैं इस जगह पे आके तो अच्छा। बाकी नीचे होते हैं, बाकी टायर इसके अपनी जगह पे ही हैं, टायर स्टैंड नहीं किया गया। हाँ जी, नीचे ड्रॉप थोड़ी सी की गई है पीछे से, लेकिन बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, ठीक है। इसकी शॉक्स होते हैं या कमानियां होती हैं? नहीं शॉक्स हैं, इसके भी शॉक्स होते हैं, शॉक्स हैं, यानी 1974 मॉडल है, जर्मन कार है ना, जर्मन में फिर देखें ना कि जर्मन कार है तो वो कमाल है। ये इसका इंजन है जी पीछे, ये बड़ा खूबसूरत इंजन लगा हुआ है, ये तो बड़ा मुश्किल है वैसे, पता नहीं बटन प्रेस है, सिंपल बटन प्रेस होता है सिंपल जी, और साफ सुथरा इंजन है इसका, ये भी आप देखेंगे इसमें। और ये जो है स्पीकर्स की जगह है, हमने इसमें अच्छा खासा साउंड सिस्टम 6000 वाट में एम्पलीफायर है और 12 इंचेस का वूफर लगाया हुआ जो कि अच्छी क्वालिटी का साउंड है, इसी वजह से लोग अट्रैक्ट कर रही होती है लोगों को ये चीज, और इसी वजह से आके लोग, और फैसल भाई मैं देखता हूँ जब कोई हाथ रखता है तो इनके दिल में जिस तरह से वो हॉल नहीं उठ रहे होते, क्योंकि उसको